हेलो स्टूडेंट, आप अनीता तोमर फ्रॉम परवरिश स्कूल। स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास सेकेंड हिंदी लेसन वन के शब्दार्थ समझाएंगे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको इस लेसन की कविता को समझाया था, जिसका नाम था तुम क्या बनना चाहोगे। तो आज हम इसके शब्दार्थों को समझाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये है शब्द और ये है इसके अर्थ। तो नंबर वन, वीर। वीर मतलब बहादुर, जो निडरता से सारी परेशानियों का सामना करे। धीर, धीर मतलब धैर्य को धारण करने वाले, जिसमें धैर्य होता है हर परेशानियों को सहन करने का। रक्षा, रक्षा मतलब बचाना या सुरक्षा करना। हित, हित मतलब भलाई या लिए। बलि जाएंगे, बलि जाएंगे मतलब प्राणों को लगा देंगे या प्राणों को न्योछावर कर देंगे। अड़े रहेंगे, सामना करेंगे या डटे रहेंगे। पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़। बवंडर, बवंडर मतलब घूम घूम कर चलने वाली धूल भरी हवा। तो स्टूडेंट, ये तो इसके शब्दों के अर्थ थे। अब आओ इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर वन, नन्हे मुन्ने बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तो नन्हे मुन्ने बच्चे बहादुर बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर टू, बालक किसकी रक्षा हेतु बलि जाने, बलि जाने मतलब प्राणों को न्योछावर करने के लिए कहते हैं। तो बालक अपनी भारत माँ की रक्षा हेतु बलि जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, बालक किन परिस्थितियों में सीना ताने डटे रहेंगे? तो इसका उत्तर है, बालक गोलियों की बौछार होने पर भी सीना ताने डटे रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, मार्ग में पर्वत के आने पर बालक क्या करेंगे? तो मार्ग में पर्वत के आने पर बालक पर्वत को ठुकराकर या हटाकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किन विपरीत परिस्थितियों में भी बालक मुस्कुराएंगे? तो उत्तर है, आग, बवंडर, बवंडर मतलब घूम घूम कर चलने वाली धूल भरी हवा, आंधी, पानी जैसी। विपरीत मतलब कठिन, परिस्थिति मतलब स्थिति में भी बालक मुस्कुराएंगे, मतलब इतनी सारी कठिन परिस्थितियों में भी बालक मुस्कुराएंगे। तो आई होप स्टूडेंट, आपने आज इस लेसन के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तरों को अच्छे से पढ़ा तथा समझा। अब आप इसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तरों को अपनी CW नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट डाउन करेंगे तथा इस कविता का एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट लेसन के बारे में पढ़ाएंगे, समझाएंगे। बाय एंड टेक केयर।